सेंसेक्स ने 60,000 का आंकड़ा क्रॉस किया, निफ्टी ऑल टाइम हाई पर है। लेकिन क्या अब मार्केट गिरेगा या और ऊपर जाएगा? इन्वेस्ट करें, रुकें या छोड़ दें? पिछले एक साल का डेटा देखते हैं। सरप्राइजिंगली यही सवाल लोगों ने तभी पूछा था जब सिर्फ एक साल पहले अक्टूबर में सेंसेक्स 40,000 के आसपास था। फिर यही सवाल फिर से आया जब मार्केट इस साल मई में 50,000 क्रॉस कर गया। अब 60,000 पर लोग फिर से यही सवाल पूछ रहे हैं, क्या फाइनली बुल रन खत्म होने वाली है या सेंसेक्स 1,00,000 टच करके ही दम लेगा? पैसा ही पैसा होगा। आज के वीडियो में 5 ऐसी स्ट्रेटजीज जानेंगे जिनसे आप एक हाई मार्केट में इन्वेस्ट करके भी अपने पैसों को रिलेटिवली सेफ रख सकते हैं। हम कुछ ऐसे टूल्स भी मेंशन करेंगे जिनसे आपको फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में हेल्प हो सकती है। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। रिमेंबर, पैसों के बारे में बात हो रही है तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले DYOR प्रिंसिपल को फॉलो कीजिए। DYOR यानी डू योर ओन रिसर्च। हम आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहे, जैसे एक बड़े भाई या बहन की तरह हमारे एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करें। पर्सनल फाइनेंस को आपके लिए आसान बनाना हमारा मिशन है। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। स्ट्रेटजी 1, डोंट इन्वेस्ट। क्या बकवास है, इन्वेस्ट ना करना एक इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी कैसे हो सकता है? लेट मी एक्सप्लेन। आपके ऊपर अगर कोई लोन है तो इन्वेस्ट करने के बजाय आप वो लोन जल्दी पे ऑफ कर सकते हैं। उस लोन पर इंटरेस्ट जो आप हर दिन पे कर रहे हैं, उस इंटरेस्ट से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन अगर आप आपके पैसे सेविंग्स अकाउंट में रखते हैं तो इस स्ट्रेटेजी में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम 1, सेविंग्स अकाउंट में आपको आजकल 4% के आसपास इंटरेस्ट मिलता है और इन्फ्लेशन ही अराउंड 6-7% है। इसका ये मतलब है कि जो पैसे इन्वेस्ट नहीं हो रहे उस पर आप ऑटोमेटिकली हर साल 2-3% लूज कर रहे हो। प्रॉब्लम 2, प्लस जब हम देखते हैं कि हमारे बैंक में पैसा है तो खर्चे बढ़ते हैं। आई हैव टू बी ऑनेस्ट, जब मेरी पहली सैलरी आई तो मैंने झट से एक नया फोन खरीदा क्योंकि लगने लगा बैंक में इतना सारा पैसा है। जो पैसे इन्वेस्ट नहीं होते वो अननेसेसरी चीजों पर खर्च होते हैं, ये सच। प्रॉब्लम 3, लास्ट प्रॉब्लम ये है कि शायद मार्केट अब भी अंडरवैल्यूड हो सकता है। दिवाली के सेल्स फिगर देखिए, इस साल हमने पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा। इंडियंस शॉपिंग कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं। कंज्यूमर स्पेंडिंग जितनी बढ़ेगी उतने ही रिटेल स्टॉक्स बढ़ते जाएंगे। हो सकता है 4 महीनों में सेंसेक्स 70,000 हो जाए। उस टाइम पे अगर आप फोमो के शिकार नहीं होने वाले, देन दिस स्ट्रेटजी इज बेस्ट फॉर यू। डोंट इन्वेस्ट। स्ट्रेटजी 2, इन्वेस्ट इन लो डेट कंपनीज। सोचिए, क्या आप एक ऐसी गाड़ी खरीदना चाहेंगे जो खुद का पेट्रोल खुद बना दिए, यानी पेट्रोल खरीदने की कोई जरूरत नहीं? एक कंपनी का पेट्रोल होता है उसका कैपिटल यानी पैसा। बिजनेस टर्म्स में जब एक कंपनी खुद का कैपिटल खुद अपने प्रॉफिट से फंड कर सकती है तो माना जाता है कि उसके फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग है। इस कंपनी की गाड़ी कुछ ऐसी दिखेगी। काफी सिंपल लैंग्वेज में समझा जाए तो कंपनी की एम्प्लॉयड कैपिटल बिजनेस को फंड करती है। प्रोडक्ट या सर्विस बनाने के लिए, उसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए, बेचने के लिए खर्चे होते हैं। प्रोडक्ट बिकने के बाद प्रॉफिट आता है। इस प्रॉफिट से सबका हिस्सा काटने के बाद जो बचता है, सिर्फ उतना हिस्सा कंपनी के बिजनेस को फंड करने के लिए काफी। इन अदर वर्ड्स, कंपनी को एक्सटर्नल कर्जे के रूप में कैपिटल खड़ी करने की जरूरत नहीं। ऐसी कंपनी को हम एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कंपनी कहेंगे। मुसीबत के समय जब कोविड जैसा कोई क्राइसिस आता है, जिनसे कर्जे लिए हैं वो अगर कंपनी पर हावी होने लगे तो कंपनी डूब जाती है। Now this is a big risk and you should avoid it. तो फिगर आउट कैसे करें कि कौन सी कंपनीज लो डेट है? screenout.in पर जाकर आप कंपनीज के फाइनेंशियल्स देख सकते हैं। अलग अलग रेशियोज कैसे एनालाइज करते हैं, इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो हमारे फाइनेंस चैनल पर जल्द ही अवेलेबल होगा, सो स्टे ट्यून्ड। स्ट्रेटजी 3, डाइवर्सिफाई। जब मार्केट हाई होता है तब एक कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो रिस्क बढ़ाता है। इमेजिन, पिछले एक साल में कोविड की वजह से फार्मा स्टॉक्स ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। अगर आपने पिछले एक साल में सिर्फ फार्मा स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है और आगे जाकर सिचुएशन ऐसे हो जाती है जिससे सारे फार्मा स्टॉक्स पर इम्पैक्ट होता है, तो इम्पैक्ट सब पर होगा और आपके वेल्थ पर भी। स्ट्रेटजी यही है कि आपको डाइवर्सिफाई करना होगा। डाइवर्सिफाई आप इंडस्ट्री के बेसिस पर कर सकते हैं। सिर्फ टेक स्टॉक्स या फार्मा स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के बजाय एक बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं। आप डाइवर्सिफाई कंपनी के साइज के बेसिस पर कर सकते हैं। आपने ये टर्म्स तो सुने ही होंगे, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। इसका मीनिंग क्या है? सपोज एक कंपनी के 100 शेयर्स है और एक शेयर का भाव 100 रुपए है। इसका ये मतलब है कि कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 10,000 रुपए है। ये कंपनीज की जो लिस्टिंग होती है वो उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन पे बेस्ड होती है। लार्ज कैप स्टॉक्स आर द टॉप 100 स्टॉक्स लिस्टेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक्स फ्रॉम 101 टू 250 आर कॉल्ड मिड कैप स्टॉक्स एंड एनी स्टॉक आफ्टर 251 आर स्मॉल कैप स्टॉक्स। जब एक कंपनी छोटी होती है तो ग्रोथ की पोटेंशियल ज्यादा होती है, लेकिन ऑफ कोर्स रिस्क भी ज्यादा होती है। ऑन द अदर हैंड, जब कंपनी बड़ी हो जाती है तो रिस्क कम हो जाती है लेकिन ग्रोथ की पोटेंशियल भी। आपके पोर्टफोलियो में एक बैलेंस होना जरूरी है। एट द सेम टाइम ये याद रखना भी जरूरी है कि कुछ फैक्टर्स पूरे मार्केट को एक साथ अफेक्ट करते हैं। अचानक से फिर से लॉकडाउन आ जाना सारे बिजनेसेस को अफेक्ट कर सकता है। यानी ऐसे सिचुएशन में आपके पैसे यानी आपके एसेट सिर्फ इक्विटी में ना होकर अलग अलग एसेट क्लासेस में होना आपके लिए रिस्क कम करता है। माना जाता है कि गोल्ड और स्टॉक मार्केट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जब मार्केट गिरता है तो गोल्ड ऊपर जाता है एंड वाइस वर्सा।
ये पैटर्न हिस्ट्री में बार बार रिपीट होता है, ये आप इस ग्राफ में देख सकते हैं। पिछले कई सालों से ऐसा ही चलता आया है। इस ट्रेंड को याद रखते हुए आप इक्विटी एंड गोल्ड स्मॉल केस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय स्मॉल केस, जो आप और हम जैसे लोगों के लिए एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। स्मॉल केस इज अ बास्केट ऑफ स्टॉक्स और ETFs जो सेबी रजिस्टर्ड एक्सपर्ट्स पिक करते हैं, लेकिन रैंडमली नहीं, बट बेस्ड ऑन अ थीम और एन आइडिया। इक्विटी एंड गोल्ड स्मॉल केस इसी आइडिया पर बेस्ड है कि मार्केट की वॉलिटिलिटी में आपका रिस्क कम हो। तो अगर कल मार्केट गिरता है तो आपके पोर्टफोलियो को गोल्ड का एक गोल्डन सपोर्ट मिले। इसी तरह स्मॉल केस के अलग अलग फिल्टर्स को यूज करके आपके लिए एक पोर्टफोलियो सिलेक्ट कर सकते हैं, जो सिर्फ आपको पसंद ही नहीं समझ भी आता हो। स्मॉल केस के फिल्टर्स के थ्रू आप मॉडल्स, सेक्टर्स, थीमेटिक बेस्ड स्मॉल केसेस चूज कर सकते हैं, जैसे डिविडेंड इनकम के लिए डिविडेंड स्टार्स, FMCG सेक्टर के लिए FMCG ट्रैकर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ऐसे कई सारे स्मॉल केसेस। एक फ्री स्मॉल केस में इन्वेस्ट करने से पहले आप उसमें कौन से स्टॉक्स हैं और उनकी क्या वेटेज है, ये देख सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि किसमें कितना इन्वेस्ट करना है। स्मॉल केस ऐप पर टाइम टू टाइम आपके स्मॉल केस को रीबैलेंस या रीएलोकेट करने के लिए रेकमेंडेशंस आते रहते हैं, यानी आपका इन्वेस्टमेंट आपके कंट्रोल में रहता है। सो डाउनलोड द स्मॉल केस ऐप एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। स्ट्रेटजी 4, ग्रोथ वर्सेस वैल्यू इन्वेस्टिंग। आपकी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी आपके माइंडसेट पर निर्भर होती है। कुछ इन्वेस्टर्स ग्रोथ माइंडसेट से इन्वेस्ट करते हैं और कुछ वैल्यू माइंडसेट से। इन सिंपल टर्म्स, ग्रोथ इन्वेस्टर्स फोकस ऑन द फ्यूचर ऑफ अ कंपनी, वैल्यू इन्वेस्टर्स फोकस ऑन द करंट स्टॉक प्राइस बेस्ड ऑन द हेल्थ ऑफ द कंपनी। 2021 में भारत ने 28 नए यूनिकॉर्न्स ऐड किए। आज भारत में 66 यूनिकॉर्न्स है। यूनिकॉर्न यानी एक ऐसा प्राइवेटली हेल्ड स्टार्टअप जिसका वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा। वेंचर कैपिटलिस्ट एक कंपनी में एट एन अर्ली स्टेज इन्वेस्ट करते हैं, ताकि जब वो कंपनी बहुत बड़ी हो जाए तो उन्हें 100x या फिर 1000x रिटर्न्स मिले। ऑफ कोर्स, आप और हम जैसे लोगों को एक कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने से पहले उसमें इन्वेस्ट करने का मौका नहीं मिलता। लेकिन ऐसे कई कंपनीज होते हैं जिनके नाम हमने सुने ही नहीं होते, लेकिन उन कंपनीज में फ्यूचर ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, जहां आप आपका पैसा 10x जरूर कर सकते हैं। ये है ग्रोथ माइंडसेट। अब इसके ठीक ऑपोजिट है वैल्यू माइंडसेट, कि आप ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करो जो ट्राइड एंड टेस्टेड है, जिन्होंने पास में मार्केट के अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, सर्वाइव किए हैं और जो आज एक स्टेबल कंडीशन। अगर आपको लगता है कि मार्केट ओवरवैल्यूड है तो आप वैल्यू स्टॉक ढूंढना शुरू कीजिए। बड़े नाम जिनमें रेड फ्लैग्स कम है, जो इंडस्ट्री लीडर्स हैं। खुद को सवाल पूछे, भारत की सबसे बड़ी IT कंपनी कौन सी है, भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक कौन सी है, भारत की सबसे बड़ी FMCG कंपनी कौन सी है। उनकी आज और कल की वैल्यू देखकर उनके आने वाला कल आप प्रेडिक्ट कर सकते। स्ट्रेटजी 5, इन्वेस्ट इन स्मॉल पार्ट्स। दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी फ्यूचर नहीं देख सकता। लोगों ने सोचा कोविड की सेकंड वेव में मार्केट गिरेगा, बेयर फेज आएगा, लेकिन मार्केट स्ट्रांग है। चाइना में एवरग्रांड क्राइसिस हुआ और लोगों ने कहा कि दुनिया भर में रिसेशन होगा, लेकिन मार्केट स्ट्रांग है। अब US में अनरियलाइज्ड गेन्स पर टैक्सेस लगने वाले, US के मार्केट का इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर हो सकता है। ये न्यूज आने के बाद भी मार्केट स्ट्रांग है। करेक्शंस आते रहेंगे, लेकिन कोई भी 100% गारंटी से ये नहीं कह सकता कि वो फ्यूचर देख सकता है। ऐसी सिचुएशन में हम डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग में विश्वास रखते हैं। हर महीने एक ऐसी अमाउंट जिसमें हम कंफर्टेबल हैं, वो सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप म्यूचुअल फंड्स की तरह स्मॉल केस में भी SIP कर सकते हैं। इससे आपको एवरेज आउट होने में आसानी होती है। अगर अगले महीने में मार्केट गिरा तो आपको सेम प्राइस में ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं और ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट होती रहती है। ऑलवेज रिमेम्बर, मार्केट हाई लगते हैं क्योंकि हम उन्हें गुजरे हुए कल की कंपैरिजन में देखते हैं। ऑफ कोर्स, कोविड के बाद किसी ने नहीं सोचा था कि मार्केट की रिकवरी इतनी जल्दी और इस तरीके से होगी, लेकिन सच्चाई हम आज जानते हैं। वैसे ही आज मार्केट ओवरवैल्यूड है या अंडरवैल्यूड है, ये हमें आने वाले टाइम में ही पता चल सकता है। तो अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एंड रिमेम्बर, वी कैन नॉट टाइम द मार्केट, ऑल वी कैन डू इज डिसाइड फॉर हाउ मच टाइम वी कैन स्टे इन द मार्केट। किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल्स देखने से पहले अपने खुद के फाइनेंशियल्स देखिए, अपनी खुद की रिस्क लेने की और इन्वेस्ट करने की कैपेसिटी को समझिए और फिर ही इन्वेस्ट कीजिए। और ये फायदे की बात आपको बताने से मुझे फर्क पड़ता है। Hey esteem, हम हमेशा सोचते थे कि मीडिया भारत के बारे में इतनी नेगेटिव क्यों, तो हमने एक पॉजिटिव सॉल्यूशन बेस्ड अप्रोच अपनाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन प्रेस कीजिए। अगर आप यहाँ पर नए हैं तो यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए और नए वीडियोस के अपडेट्स मिलने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और ऐसे ही और पॉजिटिव वीडियोस देखने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से मुझे फर्क पड़ता है।